नर्मदांचल किनारे स्थित काल भैरव बाबा के मंदिर में आज भैरवनाथ का प्रकटोत्सव मनाया गया है। इस अवसर पर भैरवनाथ जी के मंदिर को सजाया गया। इस मौके पर सुबह से ही खत्री समाज के ठाकुर पुरा भैरवनाथ मंगलम धाम आश्रम कामाख्या धाम के अष्टंगी भैरवनाथ मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। काल भैरव मंदिर में भक्तों ने विधि विधान के साथ सुगंधित द्रव्य और अन्य सामग्री से काल भैरव की पूजा अर्चना की। पंडित पंकज सिटोकी ने कहा कि हंडिया में अति प्राचीन मंदिर है, जहां पिछले कई सालों से भैरव जी की जयंती मनाई जाती है, जहां दसों दिशाओं की रक्षा का दायित्व संभालते हैं, जहां भैरव जी का प्रकट उत्सव दिवस पूरे नगर में भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर कामाख्या धाम के मंदिर में अष्टांग भैरव के स्थान पर भैरव का अभिषेक किया गया। आज बड़ा पावन पर्व है, भगवान शिव के अंश से उत्पन्न श्री भैरव जी महाराज का जन्मोत्सव है। उस पावन पर्व पर यहाँ पर हंडिया ग्राम में सभी लोगों ने बड़े आनंद उत्सव के साथ भैरव अष्टमी का पावन पर्व मनाया। भगवान भैरव जी के 51 स्वरूप हैं, उनमें से ये जो पीछे स्थान दिख रहा है ये बटुक भैरव जी का स्थान है। बटुक भैरव अर्थात बालक, बाल भैरव, जिनका स्वरूप बड़ा ही सरल और सहज है। जैसे बालक अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे बटुक भैरव भी बड़े अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। 51 भैरव में से ये एक भैरव जी का स्थान है बटुक भैरव, जिसे प्रशांत माँ भैरव, काल भैरव, उन्मत्त भैरव, अनेक प्रकार से भैरव के स्वरूप हैं। मैं परम शक्ति संपन्न हूँ, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ जहाँ पर भैरव जी और भगवती विराजमान रहेंगी वहाँ किसी को आधी व्याधि पीड़ा कष्ट नहीं दे सकती है। और नर्मदा जी किनारे कि नर्मदा जी हैं शिव जी की पुत्री और साथ साथ जगन माता हैं और भैरव जी शंकर जी के पुत्र, तो जो नर्मदा किनारे भगवान भैरवनाथ की उपासना होती है और उनकी उपासना, उनकी प्रार्थना, उनकी पूजा पद्धति जो होती है उनका प्रभाव और अमित गुणा बढ़ जाता है। अन्यत्र जो होता है वो वहाँ तो साधना से होता है, यहाँ तो थोड़े साधना से उसका प्रभाव अनंत गुणा हो जाता है। काशी में काल भैरव हैं, तो काल भैरव यानी भगवान काशी कोतवाल, बिना उनकी इच्छा के काशी में कोई निवास नहीं कर सकता। आज 13 वर्षों से श्री प्रशांत भैरव जी महाराज का जन्म दिवस मनाया जाता है और सभी दूर से लोग आकर के रात्रि भर अभिषेक पूजन और एकादशनी प्रयोग होकर के 56 भोग एवं पूजा अभिषेक भंडारे का आयोजन रहता है और कई जगह से लोग आकर के श्री प्रशांत भैरव जी का आशीर्वाद और कृपा को प्राप्त करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मान्यवाद है, भैरव जी की ऐसी कृपा है, हर वर्ष अविरल बड़े सुंदर तरीके से बड़े हर्ष और उल्लास से।